राजस्थान में आगामी 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 13 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसको लेकर चुनाव आयोग के निर्देश पर पाली संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत ही सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में सहायक रिटर्निंग अधिकारी हरि सिंह देवल के निर्देश में सुमेरपुर और तकतगढ़ नगर पालिका क्षेत्र समेत सुमेरपुर पंचायत समिति क्षेत्र की सभी 30 ग्राम पंचायतों द्वारा मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। इसी के तहत सहायक रिटर्निंग अधिकारी देवल ने बताया कि आगामी 26 अप्रैल को पाली जिले में लोकसभा चुनाव होंगे। सुमेरपुर में भी लोकसभा चुनाव को लेकर ज्यादा से ज्यादा मत प्रतिशत बढ़ाने को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सुमेरपुर से अरविंद कुमार जोशी की रिपोर्ट। लोकसभा आम चुनाव 2024 का पाली संसदीय क्षेत्र में 26 अप्रैल को मतदान होना है। इसी कड़ी में माननीय मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय और हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार पूरे विधानसभा क्षेत्र सुमेरपुर के अंदर सतरंगी सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें 17 तारीख से लेकर के अगले 7 दिनों तक विभिन्न वर्गों के लोगों को हम मिलकर के कॉन्टैक्ट करके उनको मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमने दिव्यांग मतदाताओं की एक रैली निकाली है, उनके माध्यम से हमने समाज के सभी वर्गों को मोटिवेट किया है कि आप 26 अप्रैल को मतदान करें। साथ ही साथ हमने आज सुमेरपुर मुख्यालय पर एक बहुत बड़ी रैली, सभी स्कूलों के विद्यार्थियों को और सभी ब्लॉक स्तर अधिकारियों ने एक बड़ी रैली के माध्यम से आम जन को यह संदेश दिया है कि आप 26 अप्रैल को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। न केवल सुमेरपुर बल्कि आसपास के तखतगढ़, सुमेरपुर और संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र सुमेरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रत्येक बूथ पर, प्रत्येक मतदान केंद्र पर ये एक्टिविटीज़, हमारी स्वीप एक्टिविटीज़ बहुत जोरों से चल रही है और हम एक एक व्यक्ति को टारगेट करके कोशिश कर रहे हैं कि वो इस मतदान की प्रक्रिया में भाग लें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। साथ ही साथ ये थोड़ी प्रवासियों का इश्यू है, इस मामले में हमने प्रत्येक बूथ पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, उनके माध्यम से हमने रिसीव भी कर रहे हैं। इसी के माध्यम से मैं स्वयं, हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय और हमारे BL और सुपरवाइजर सभी मिलकर के जो बाहरी प्रवासी लोग हैं उनको भी 26 अप्रैल को आकर मतदान करने के लिए हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा और सभी विधानसभा के सभी मतदाताओं से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि सुमेरपुर विधानसभा का जो मत प्रतिशत है वो पिछले लोकसभा चुनाव का देखें या 2023 विधानसभा चुनाव का देखें तो हम 60-61% के आसपास रहते हैं, जो कहीं ना कहीं बाकी जो विधानसभा है या बाकी जो क्षेत्र हैं उनकी तुलना में काफ़ी कम रहता है। तो मैं सभी लोगों से ये अपील करूँगा आपके माध्यम से सभी मतदाताओं की, ये जो कम प्रतिशत वाला जो हमारे पास हमारे कलंक है इसको हमें मिटाना है और लोकसभा चुनाव 2024 में और 26 अप्रैल को हम सभी मिलकर के अधिक से अधिक मतदान का प्रयोग करके इस जो 60% वाले जो हमारा बैरियर है उसको तोड़ करके 70-75% का कैसे मतदान करें, इसके लिए आप सभी को प्लान करके और सभी को मतदान करना है। ऐसे में आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील भी करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ। धन्यवाद।